तो हे गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ी ब्रदर्स। मेरा नाम है अक्षदेव सिंह और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस बार चाइना और इंडिया से स्पोर्ट्स वाइज कितने कितने एथलीट्स जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक यही रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से हमारा मोटिव चाइना को सपोर्ट करना या इंडिया को नीचा दिखाना नहीं है, जबकि इस वीडियो से हमारा मोटिव है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि किन स्पोर्ट्स में चाइना हमसे बहुत आगे है एंड कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारे और चाइना के बराबर एथलीट जा रहे हैं। जस्ट यही मोटिव है हमारा इस वीडियो का। तो सबसे पहले बात करें आर्चरी यानी कि तीरंदाजी की, तो आर्चरी में इंडिया का 6 मेंबर कंटिंजेंट जाएगा यानी कि फुल कंटिंजेंट, और वहीं चाइना का भी फुल मेंबर कंटिंजेंट यानी कि 6 प्लेयर्स का कंटिंजेंट चाइना का भी आर्चरी में जाएगा। तो आर्चरी में तो सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। उसके बाद बात करें एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में इंडिया का 29 प्लेयर्स का कंटिंजेंट जाएगा, वहीं चाइना का 54 प्लेयर्स का कंटिंजेंट जाएगा। देन बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन का इंडिया में 7 प्लेयर्स खेलेंगे एंड वहीं चाइना की बात करें तो चाइना का बैडमिंटन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उनके वहाँ 16 प्लेयर्स खेलेंगे। एंड आपको बता दूँ 16 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो बैडमिंटन में एक NOC से जा सकते हैं, तो चाइना हैज़ अचीव्ड इट। उसके बाद बॉक्सिंग में चाइना के 8 एथलीट्स हैं, 8 बॉक्सर्स हैं, वहीं इंडिया के 6 हैं। तो बॉक्सिंग में चाइना 2 प्लेयर्स ज़्यादा लेकर जा रहा है इंडिया से। देन TT की बात करें तो TT में हमारा फुल स्क्वाड जा रहा है इस बारी 6 मेंबर्स का, और चाइना तो TT में वर्ल्ड चैम्पियन है तो उनका भी फुल स्क्वाड जा रहा है 6 मेंबर्स का, तो TT में भी सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स जा रहे हैं। उसके बाद टेनिस की बात करें तो टेनिस में हमारे 3 प्लेयर्स जा रहे हैं एंड चाइना के वहीं 7 प्लेयर्स जा रहे हैं, तो इसमें भी 4 प्लेयर्स ज़्यादा लेके जा रहा है चाइना। देन शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज अच्छी है, तो इंडिया के इसमें 21 खिलाड़ी जाएंगे एंड चाइना के भी 21 प्लेयर्स ही जाएंगे। तो इंडिया जिन दो इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया वो थे स्कीट और ट्रैप, मैन स्कीट और मैन ट्रैप, और इन दोनों में इंडिया को एक एक कोटा नहीं मिला। वहीं चाइना जो है वो मैन स्कीट में एक कोटा मिस कर गया, तो शूटिंग में दोनों कंट्रीज़ के बराबर प्लेयर हैं। उसके बाद बात करें इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवारी की, तो इक्वेस्ट्रियन में इंडिया का एक खिलाड़ी अनुष अग्रवाला ड्रेसाज में खेलेंगे, वहीं चाइना से 2 प्लेयर्स हैं इक्वेस्ट्रियन में। देन सेलिंग में इंडिया के 2 प्लेयर्स हैं, विष्णु सरावनन एंड नेथ्रा कुमानन, एंड वहीं चाइना के इसमें 13 प्लेयर्स खेलेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर जा रहा है चाइना 13 प्लेयर्स का। देन रोइंग की बात करें तो रोइंग में इंडिया का एक ही खिलाड़ी खेल रहा है जो कि बलराज पनवर हैं, जिन्होंने हमारे साथ एक पॉडकास्ट भी किया है, वहीं चाइना के इसमें 14 खिलाड़ी खेलेंगे। चाइना में आपको बता दूं एशिया में बहुत स्ट्रांग है रोइंग में। उसके बाद रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में हमारा 6 मेंबर्स का स्क्वाड जा रहा है, वहीं चाइना का 12 प्लेयर्स का स्क्वाड जा रहा है, तो रेसलिंग में तो हमसे डबल एथलीट्स हैं। गोल्फ में हमारा 4 प्लेयर्स का कंटिंजेंट जा रहा है, चाइना का भी 4 प्लेयर्स का ही जा रहा है, तो इसमें दोनों कंट्रीज़ के सेम एथलीट्स हैं। जूडो में इंडिया का एक खिलाड़ी खेलेंगी तुलिका मन, एंड वहीं चाइना जो कि मतलब जूडो में थोड़ा बहुत स्ट्रांग है उसकी 6 एथलीट्स जाएंगी, 6 जूडोकास जाएंगी, एंड चाइना की जो 6 जूडोकास हैं वो 6 की 6 फीमेल हैं। एंड देन बात करें वेटलिफ्टिंग की, तो वेटलिफ्टिंग में एक इंडियन मीराबाई चानू खेलेंगी, वहीं चाइना से 6 वेटलिफ्टर्स जाएंगे। चाइना वेटलिफ्टिंग के स्मॉलर जो लाइटर कैटेगरीज होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। देन बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग में तो बहुत ही पलड़ा भारी है चाइना का, चाइना अपनी स्विमिंग के लिए जाना जाता है। देन स्विमिंग से चाइना के 40 एथलीट्स हैं, जिसमें से 8 जो है वो आर्टिस्टिक स्विमिंग में हैं एंड 32 जो हैं वो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में हैं यानी कि जो रेसेस होती हैं। वहीं इंडिया के स्विमिंग में सिर्फ 2 एथलीट्स जा रहे हैं, 2 स्विमर्स जा रहे हैं, दिनिधि देसिंगू एंड श्रीहरी नटराज, तो इसमें तो चाइना का पलड़ा बहुत हद से भारी है। एंड लास्ट स्पोर्ट बात करें जिसमें इंडिया खेल रहा है वो है हॉकी, एंड हॉकी में इंडिया का 16 प्लेयर्स का स्क्वाड जा रहा है यानी कि पूरी मेंस टीम जा रही है,
वहीं चाइना की भी वुमेन्स टीम जा रही है, दैट मीन्स जिसमें चाइना के भी 16 प्लेयर्स जा रहे हैं। तो ये स्पोर्ट है जिसमें इंडिया और चाइना बराबर हैं। तो ऐसे काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया और चाइना के बराबर प्लेयर्स जा रहे हैं। तो टोटल कंटिजेंट की बात करें तो इंडिया का है 112 यानी कि 112 प्लेयर्स का कंटिजेंट इन 16 स्पोर्ट्स, एंड वही चाइना का है 388 प्लेयर्स का कंटिजेंट इन 33 स्पोर्ट्स। बट एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी चाइना के कंटिजेंट की, कि चाइना के कंटिजेंट में फीमेल जो है वो मेल से ज़्यादा है। जी हाँ, चाइना के कंटिजेंट में 257 फीमेल प्लेयर्स जा रही हैं एंड 131 ही मेल प्लेयर्स जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डबल फीमेल प्लेयर्स जा रही हैं मेल से चाइना में। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया से 66 मेल खिलाड़ी जा रहे हैं, 46 फीमेल। तो इंडिया में जो है वो मेल ज़्यादा हैं फीमेल से, वहीं चाइना में फीमेल ज़्यादा हैं मेल से। तो लास्ट टाइम हमारे 7 मेडल्स थे टोक्यो में, वहीं चाइना के 89 मेडल्स थे। देन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी है जिसमें इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया है बट चाइना कर गया है। तो ऐसे स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल, ब्रेकिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, डाइविंग, फेंसिंग, जिमनास्टिक्स, मॉडर्न पेंटाथलन, रग्बी सेवन्स, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल, ट्रायथलॉन एंड वाटर पोलो। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें चाइना क्वालिफाई कर गया है बट इंडिया नहीं कर पाया है। एंड मैं आपको बता दूं कि वाटर पोलो में भी चाइना की वुमेन्स टीम ही जा रही है। तो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। बाकी मैंने स्टार्टिंग के डिस्क्लेमर में भी बताया कि इस वीडियो से हमारा मोटिव सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा पॉजिटिव ही रहिएगा। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एम करता हूँ मैं 100 लाइक्स का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपको हमारी ओलंपिक्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड जी हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।